Hey fam, welcome back to the 10 star. So we are back again with another video और हम पहली बार आई थिंक या दूसरी बार ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो करने जा रहे हैं। थारा भाई जोगिंदर रोस्टेड मी बवंडर डिस्ट्रैक्टर रिप्लाई दिया ट्रिगर्ड इंसान ने, क्या बात से रिप्लाई मुझे लगता है अभी आने वाला है। हमने उस पे ट्रैक पर जो था कमेंट से नीचे सेक्शन में देखा था, ट्रिगर्ड इंसान ने कमेंट करा था। हाँ कमेंट करा था और इसमें ट्रिगर्ड इंसान ने एक दो मिनट का वो अपना रैप भी निकाला है जो दोमड़े बनाया भाई ने, जो उसने दो महीने लगा दिए, तो मजा आने वाला वीडियो में। एंड लेट्स उसे दो महीने लगे वो बनाने में, मुझे ऐसा पता लगा क्योंकि जो कमेंट पिन हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है। अब आई डोंट नो क्या सीन है, वो लगाए होंगे भाई, वो थारा टाइम लेता है, थारा भाई यू नो ही इज द बेस्ट। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, देखते हैं वीडियो कैसी है। तो ये वीडियो की कहानी शुरू होती है आज से दो महीने पहले सितंबर में। सोशल मीडिया पे कई प्रकार के नमूने आए, नाचने वाले, गाने वाले, बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाले, लेकिन जो हमें क्रिंज की लिमिट लगती थी ना वो सिर्फ एक वार्म अप था, क्योंकि असली नमूना, नमूनों का राजा, नमूना नंबर वन तो अब आया है। देखो देखो आ गया जो जोगिंदर, मुझे लगा बैकग्राउंड वो है। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, जो जोगिंदर। अरे बस भाई, थारा भाई जोगिंदर। हाँ ये कर ले तू, एक दो बार और कर ले, क्योंकि एक बारी में तो यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर हमें समझ आया ही नहीं था कि ये तू है भाई। जैसी तेरी छपरी हरकतें है ना, गाड़ी में बैठ के एसी ऑफ करके पसीने बहते हुए कैमरे के अंदर घुस के बड़ी बड़ी आंखें करके थूकते हुए बवंडर आएगा, बवंडर। सबको पता है ऐसी छपरी हरकतें यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर ही करता है, तो तीन तीन बार ऐसे करके सबूत क्या दे रहा है, हम समझ गए थे एक बारी में भी। और ये इंट्रो क्या था, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने गूगल पे सर्च करा मीनिंग ऑफ छपरी, तो गूगल मुझे सामने से पूछती डिड यू मीन तारा भाई जोगिंदर। कान खोल के बात सुन लियो, जिसने भी वीडियो बनाई है ना, जिसने मेरे को रोस्ट किया, वीडियो डिलीट कर दियो। 15 तारीख तक का टाइम है तुम लोगों के पास, 15 नवंबर तक का टाइम है तुम लोगों के पास, कान खोल के बात सुनो, वरना भूचाल आएगा, भूचाल। मुंह छुपाने लगा, जगह नहीं छोड़ूंगा यूट्यूब के अंदर। ओह माय गॉड, 15 नवंबर को, अबे क्या होगा भाई, बवंडर आ रहा है, कांप रहा हूं, 15 नवंबर को भूचाल, ओह माय गॉड, डर के मारे सुसू कर दिया है मैंने, पर वीडियो तो डिलीट नहीं होगी मेरी, छोड़ किसी भी यूट्यूबर की वीडियो डिलीट नहीं होगी, मेरी गारंटी है, तू ले अब भूचाल, ठीक है। 3 weeks later छपरे यूट्यूबर कहा था ना बवंडर आएगा, बवंडर। अरे वाह ये बवंडर है जोगिंदर, तू तो बड़ा ही डेस्परेट टाइप का निकला, किसी की टॉयलेट वाली पाइप के नीचे जाके खड़ा हो गया, कोई ऊपर से मूत रहा है ये नीचे खड़ा, बवंडर छपरे ये बवंडर है भाई। इसके बाद सितंबर का महीना खत्म हुआ, अक्टूबर आ गया, लेकिन ये बंदा अभी भी बवंडर ले आऊंगा ही करी जा रहा था। अच्छा सितंबर दे रहा था, 24 नवंबर है भाई, तो 2 महीने हो गए, तभी कह रहा 2 महीने हो गए। मेरी भी बिल्कुल सेम शक्ल होती है सुबह 6 बजे जब प्रेशर नहीं बन रहा होता। जोगिंदर देखियो कहीं सचमुच का हग मत दियो, मतलब वीडियो में तो तू हग ही रहा था, अभी वीडियो बनाने के चक्कर में सच में ना निकल जाए, देख लियो भाई। वीडियो डिलीट, ओ भाई साहब, जोगिंदर तेरे स्टाइल में ही तेरे को रिप्लाई, मैंने पूछा का तेरे को क्या मांगता है, ऐसे तो मेरे को भी मांगता है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम तेरे अकाउंट डिलीट कर दे, क्योंकि तू सारे आम धमकियां देता है कि तू घर में घुस जाएगा और हमें मार देगा, पिटाई कर देगा और पता नहीं क्या क्या कर देगा। बेटा कैरी मिनाटी और ट्रिगर इंसान, माँ की कसम खा रहा हूँ, पेल दूंगा क्या के, अगली बार अगर सोच समझ के रोस्ट मारना, अरे मेरा नाम ले मत लेना किसी वीडियो में, तो मारेंगे अभी तक घर में घुसने के अंदर 5 जबरदस्ती, पर सबकी इच्छा पूरी नहीं होती ना जोगिंदर, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तेरे को क्या मांगता है। तू 15 नवंबर को अपना बवासीर डिस्ट्रैक्ट रिलीज कर, उसके बाद अपन उसका वैद्य ऋषि का हर्षकल्प करेगा ना, बिकॉज बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का हर्षकल्प, समझा गए नहीं छपरी, माफ कीजिएगा, कभी कभी मेरे अंदर का जोगिंदर, यो जोगिंदर बाहर आ जाता है। क्या है बे तुम लोग बोलोगे क्या? ओह सारा भाई जोगिंदर आज चेस्ट फ्लेक्स करेगा, हेरी चेस्ट, क्या बोल रहा हूँ सारा भाई जोगिंदर से, तुम्हारी औकात
जोगिंदर को परोस मानेगी, मुझे नहीं देखना, ना दूंगा। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि जोगिंदर इतनी अजीब अजीब सी क्रिंजी हरकतें क्यों करता है, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज से कुछ वर्ष पहले जब जोगिंदर एक छोटा बच्चा था। नमस्कार नाइस क्यूट। जब गिर गया था आपको याद है, बवंडर बहुत छोटे होते हुए एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये गिर गया था, इसके अंदरूनी इसके सिर पे चोट लगी, गुमशुदा चोट लग गई थी, ये देख रही है ये बढ़िया था, सफेद सा दाग, इसे ग्लाउसिस कहते हैं, जो दिमाग पर चोट लगने की वजह से होता है। यही कारण है कि उसकी मेंटल ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, वो खुद 8 बरस का हो गया है लेकिन उसका दिमाग 2.5 साल के बच्चे जितना है। I'm afraid कोई मिल गया, जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। तो 9 बजे से स्कूल भेजा और 10 बजे स्कूल वालों ने इसे घर वापस भेज दिया, हाथ जोड़ के वापस भेज दिया। ए फॉर एप्पल, तारा भाई एट स्कूल, बॉल, सी फॉर कैट, ओए चपरे टीचर, ओए चपरे, ए फॉर औकात, बी फॉर बवंडर, सी फॉर चपरे, चपरे चल यहां से चल, ओए चपरे औकात के बेटा उठ के नहीं गया है, बवंडर आएगा, बवंडर ये बढ़िया था। जोगिंदर तुझसे आर्ग्यू करना मुझे अपनी खुद की तौहीन लगती है क्योंकि तुझे बोलना ही नहीं आता है, तेरे शब्दकोश में सिर्फ 3 लेटर्स है, ए बी सी, ए फॉर औकात, बी फॉर बवंडर, सी फॉर छपरी, इसके आगे तू पढ़ ही नहीं पाया ना, तुझे वापस भेज दिया स्कूल वालों ने, कह रहा भाई तेरे से ना होगा तुम जाओ वापस। तू ये देख रहा है इसका नाम है हगिंदर, वैसे तो तेरा नाम भी हगिंदर है क्योंकि तू बहुत ज्यादा हगता है अपने मुंह से, लेकिन ये तुझसे ज्यादा समझदार है। अगर मैं इसको यहाँ पे बिठा दूंगा ना और मैं इसको बोलूंगा ओए चुपचाप यहाँ पे बैठा रहे, ये समझदार है ये यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन तुझे अकल आती ही नहीं है, तू पहले अपनी वीडियोस में हग रहा था, 15 नवंबर को तू अपने डिस्ट्रैक्ट में भी हगेगा, तारा भाई हगिंदर इतना हगेगा, इतना हगेगा जोगिंदर तू इतना बड़ा अकल से पहंगा है ना कि तू कोई मौका नहीं छोड़ता अपनी मूर्खता सिद्ध करने के लिए। एक बार ये वाला क्लिप देखो, मैंने वो मीम लगाया तेरे वाला, ओ छपरी यूट्यूबर, वो बवंडर ले आऊंगा, वो मैंने मीम लगाया, कैरी ने कभी नहीं बोला कि बवंडर कब आएगा, मैंने बोला अपनी वीडियो में, मैंने मीम लगाया, लेकिन तूने उसका नाम लिया, क्यों? क्योंकि तुझे पता है तू उसका नाम लेगा तो तुझको ज्यादा क्लाउट मिलेगा। अबे अब तेरे को क्लाउट का भी मतलब समझाना पड़ेगा क्योंकि तू तो 10 बजे तक स्कूल गया, क्लाउट का मतलब है पॉपुलैरिटी, फेम मिलेगा, जिसके लिए तू तरस रहा है, तड़प रहा है, तू लोगों के डीएम में बोलता है कि तेरे को बिग बॉस में जाना है इसलिए तू ये फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी करता है, तेरे जैसे छपरी को बिग बॉस वाले नहीं लेने वाले, स्टैंडर्ड नहीं है अपने सेलमुन भाई का, बिग बॉस में कोई औकात क्या तुम्हारी, यार तेरी बातें अच्छी नहीं है, तेरी हरकतें अच्छी नहीं है, तेरी शक्ल, चल शक्ल के बारे में तो मैं नहीं बोल रहा, इवन दो मेरी शक्ल के बारे में तूने काफी बकवास करी है, लेकिन मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि तू बच्चे खाने वाले राक्षस जैसा लगता है या फिर तू वो वैसी दरिंदा लगता है जिसको देख के लड़कियां डर जाए, स्पेशली वो तो छपरियों वाली लट तूने आगे रखी हुई है, एकदम अपरिचित मूवी का अंडरटेकर लगता है, तेरी भैड़ी शक्ल है तेरी, कुछ भी है, पर मैं बोल रहा हूँ क्या तेरी शक्ल के बारे में, मैंने नहीं बोला ना कि तू बहुत बदसूरत है, मैं नहीं बोल रहा ना, चल शक्ल के बारे में तो खैर मैं नहीं बोल रहा, पर कम से कम एक्टिंग तो अच्छी कर लो भाई।
ये तुम भाई खुदाई करने की एक्टिंग कर रहे हो, हवा में ही मारी जा रहा है भाई। नहीं ये तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ए ट्रिगर इंसान आइए आपका इंतजार था, फाइनली मेरी बारी आ गई, इट इज माय टर्न टू शाइन। जोगिंदर मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूं। जोगिंदर मेरा ऐसा डिस कर दे कि मैं तबाह हो जाऊं, मैं फना हो जाऊं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, खत्म। कहां पर हूं मैं गाइस? मेरे को जोगिंदर ने मौत की धमकी दे दी, कह रहा गाड़ दूंगा फाड़ दूंगा, इसकी सेटिंग की कसम मुझको काट देगा। मैं गया, मैं खत्म। मम्मी पापा मेरा वक्त आ गया है। जोगिंदर तेरा पहला गाना था और आखिरी रहने दियो, इसके बाद कोशिश भी मत करियो संन्यास ले ले भाई प्लीज, क्योंकि तुझसे नहीं हो पाएगा। दो महीने पहले अनाउंस किया था, सही बोल रहा हूँ, यानी कि 60 दिन 60 डेज थे तेरे पास ये गाना लिखने के लिए, तू कुछ भी लिख सकता था, लेकिन ऑल यू कुड थिंक ऑफ वॉज तेरी लाते में तोड़ूंगा, लाओ हथौड़ा लाओ, इसको फोड़ूंगा मारूंगा, 360 कर दूंगा। क्या है, दैट्स इट। इकलौती अच्छी चीज थी कि तूने वो मेरा जो फेस मास्क लगा रखा था, थैंक यू फॉर दैट, थोड़ा सा एफर्ट दिखा मेरे को तेरे गाने में, उसके अलावा कुछ नहीं था। सूर्यवंशी की वो स्टार्टिंग में जो वो ट्यून बजती है ट्रेलर में, वो वाली ट्यून लगाई, बैकग्राउंड में एक ढक 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 90 बीट्स पर मिनट वाली बीट उठाई, उसके ऊपर जो तेरे मन में आया वो तूने रीड करा। मैं लिरिक्स लिख के दूं कि भाई ये गाना गा दे, तो बंदा कोशिश करता है उसमें से थोड़े से मैं राइम बनाऊं, उसमें से कुछ गाने में रिदम बनाओ, तूने सिर्फ रीडिंग करी है। अरे ओ ट्रिगर इंसान तेरी लाते मैं तोड़ूंगा, सर मैं फोड़ूंगा, हथौड़ा लाओ मेरी सर्विस की कसम, मैं इसको ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तूने दो महीने में ये गाना लिखा है, मैं दो मिनट में इससे ज्यादा अच्छा डिस्ट्रैक्ट लिख दूं तेरे पे। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, मोर लाइक थारा भाई हगेंदर, आज इतना हगेगा इतना हगेगा इतना हगेगा इतना हगेगा, पूछो मत बस कितना हगेगा, हगता रहेगा, कल भी हगा था आज भी हगेगा, आगे भी बस हगता रहेगा। यो हगिंदर थारा भाई हगिंदर, हगू मेरा नाम है, हगना मेरा काम है। यो हगिंदर थारा भाई हगिंदर, छाती पीट के बोलो थारा भाई हगिंदर, यो हगिंदर। हगू भाई मुझे पता है बहुत वाहियात था, लेकिन दो ही मिनट में बनाया है, मैंने नहीं लगाया मैंने आपकी तरह आगने के लिए। तू भाई तुम बचपन में सर के बल गिर गए थे तो इसलिए तुमको चीजें समझ नहीं आती है, पर मैं तुमको समझाता हूँ। देखो एक क्रिएटर गाली वाली वीडियोस बनाना चाहता है या गाली के बिना वीडियोस बनाना चाहता है वो उसकी मर्जी है, पर वो ऑडियंस को फोर्स थोड़ी ना कर रहा है अपनी वीडियोस देखने के लिए। ऑडियंस की मर्जी है कि वो गाली वाली वीडियोस देखना चाहती है या वो बिना गाली वाली वीडियोस देखना चाहती है। अब बात आई कि तू मेरे को बार बार क्यों बोल देता है कि मैं गाली वाली वीडियोस बनाता हूं, तूने मेरी आज तक कोई वीडियो देखी नहीं है। मैं नहीं देता अपनी वीडियोस में गाली भाई, तू फिर भी बोलता रहता है ट्रिगर्ड इंसान तू गाली देता है, तेरे को शर्म नहीं आती? नाइस। अभी मैंने गाली थोड़ी ना दी है, अभी तो मैंने बोला जोगिंदर तेरा डिस्ट्रैक्ट बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, तो उनके तालियां बजा रहा था मैं सच में। इंडियाज न्यू T20 स्किपर इज टैक्टिकली शूट बट हिज स्ट्रेंथ्स लाई इन हिज मैन मैनेजमेंट स्किल्स, क्लियर कम्युनिकेशन, शूटिंग स्ट्रेट, ग्रूमिंग जूनियर्स एंड यूटिलाइजिंग हिज सीनियर्स। वो मेरे को लगा यहाँ पे रेसिटेशन सेशन चल रहा था, जोगिंदर भाई लिरिक्स रीड कर रहे थे ना किताब से, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर रीडिंग वीडिंग कर लेता हूँ, मेरी थोड़ी सी जीके बढ़ जाएगी। इसको कोई फ्लो रिदम बीट के बारे में कुछ बताओ भाई, रीडिंग सेशन चल रहा है, तुम सारे उनके कंटेंट को क्रिंज बोलते हो, लेकिन वो अपने कंटेंट से पूरे इंडिया को दिखा रहे हैं, वो अपना करियर बना रहे हैं, उनके पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है इसलिए वो लोग शॉर्ट वीडियो बना के अपना टैलेंट पूरे भारत तक फैला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तुम उनको क्रिंज बोल रहे हो। और जोगिंदर भाई जब तो बताइयो, I am again making a roast video on you, that means तू YouTube से अब मेरा पूरा इतिहास मिटा देगा। कैसे तू मेरा चैनल डिलीट करेगा खुद से, क्या फिर YouTube के पास जाएगा? YouTube loves me a lot, I love YouTube, YouTube वालों इस वीडियो को कुछ मत करना, ओके?
बट जोगिंदर भाई आई मस्ट से दैट वाज एन अमेजिंग डिस्ट्रैक्ट. आई एम देख ले जेन्युइनली अपलोडिंग योर डिस्ट्रैक्ट. मुझे इतना मजा आया तेरा डिस्ट्रैक्ट सुन के. मैं बहुत हंसा. मैं इतनी देर तक हंसता रहा एंड स्पेशली तूने मुझे भी इस गाने में इंक्लूड करा. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड मैं तेरे पे और वीडियोस नहीं बनाना चाहता था लेकिन अब तूने कुछ नया कंटेंट दिया औकात बवंडर और छपरी से हटके तो मुझे लगा मेरे को वीडियो बनानी चाहिए. एंड मैं कोशिश करूंगा कि इसके आगे मेरे को वीडियो ना बनानी पड़े. जोगिंदर भाई ना बनानी पड़े भाई. इस साल का हो गया. आप बिग बॉस तक जाओ. मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा आप खुश रहे हमको भी खुश खुश रहने दे. एंड अब बस कर जाओ. जैसे ही जोगिंदर से पॉपुलैरिटी जाने लगेगी ये फिर वापस आ जाएगा किसी ना किसी का नाम लेके उसको रोस्ट करेगा डिस करेगा ताकि वो इसके बारे में बोले ताकि इसको फिर से क्लाउट मिल सके. गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड. दैट वाज इट डूड. मजेदार वीडियो. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वाज द मॉम एंड डैड जो है ना बीच में छोटा सा स्किट टाइप. मजेदार. और 2 मिनट का रैप भी बढ़िया था. एटलीस्ट जोगिंदर ने 2 महीने लिए थे उसने बहुत ही बेटर था भाई 2 मिनट का. मजेदार. वी एंजॉयड इट एंड वी होप आपको मजा आया होगा. ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जाके जरूर चेकआउट करना. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन. टेक केयर. बाय बाय.